हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, उसो सभी बने हुए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन, रोमन रेंस बने हुए अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, या फिर आप कह सकते हो अभी पूरी की पूरी ब्लड लाइन है अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस। बट क्या इस फैक्शन में एक और काफी बड़ा सुपरस्टार होने वाला है ऐड, तो क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है आज की इस वीडियो में, उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ESPN के ESPYS अवार्ड के लिए इस साल WWE की तरफ से कौन कौन से मूवमेंट्स हुए नॉमिनेट, साथ ही साथ AEW के किस सुपरस्टार ने हमें हिंट दिया है कि वो आ सकते हैं WWE में वापस। तो गाइस, सबसे पहले हम उसी AEW सुपरस्टार के बारे में बात कर लेते हैं। देन गाइस, वो कोई और नहीं बल्कि है Y2J क्रिस जेरिको। आप सब जानते हो क्रिस जेरिको ने एक तरह से AEW की स्टार्टिंग की है और उन्होंने WWE के बारे में कभी भी ज्यादा बुरा नहीं कहा, इनफैक्ट उनकी तारीफ ही की है, और वो हमें स्टोन कोल्ड के पॉडकास्ट में भी देखने को मिले थे जो कि आती है WWE नेटवर्क पर। और रिसेंटली आप सबको पता ही है उन्होंने जॉन सिना को 20th एनिवर्सरी भी विश किया, यानी कि आप सब कह सकते हो WWE एंड क्रिस जेरिको के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन आप सबको बता दूं, रिसेंटली स्पोर्ट्स किरण ने एक आर्टिकल डाली थी 5 रीजन जिसकी वजह से क्रिस जेरिको हमें WWE में दोबारा से देखने को मिल सकते हैं, एंड उस आर्टिकल को रिट्वीट किया क्रिस जेरिको ने, यानी कि वो भी चाहते हैं उनके फैंस पढ़े ये 5 चीजें। और ये बात तो साफ है कि भाई क्रिस जेरिको दोबारा से WWE में आने वाले, बट वो कब आते हैं वो बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट हम सब यही होप करेंगे कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए ताकि हम सब अभी उनके कुछ ड्रीम मैचेस देख पाए WWE में। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, क्रिस जेरिको AEW में ही ठीक है या फिर उन्हें WWE में आ जाना चाहिए वापस, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। अब नेक्स्ट बात कर ली जाए ESPN के स्पीज अवार्ड के लिए WWE के तरफ से कौन कौन से मूवमेंट्स हुए नॉमिनेट। आप सबको पता ही है 2019 से WWE को इस अवार्ड में ऐड किया गया, एंड सबसे पहली बार ये अवार्ड मिला था रोमन रेंस को, जो कि उन्होंने ल्यूकेमिया को हराकर अपना रिटर्न किया था WWE में। बट गाइस, बात कर ली जाए इस साल कौन कौन से मूवमेंट्स हुए नॉमिनेट, तो गाइस 4 मूवमेंट्स हुए नॉमिनेट। पहला है अंडरटेकर का इंडक्ट होना WWE हॉल ऑफ फेम में, सेकंड है कोडी रोड्स का रेसलमेनिया पे रिटर्न, थर्ड है स्टोन कोल्ड का विंस पिकमैन, ऑस्टिन थ्योरी, पैट मैकेफी को स्टन करना रेसलमेनिया में, और फोर्थ है बिगी का कैश इन एंड बनना WWE चैंपियन। सो इन चारों में से किसी एक को मिलने वाला इस साल ESPN का स्पीज अवार्ड, और मुझे कोडी रोड्स एंड अंडरटेकर के मूवमेंट के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है इन चारों मूवमेंट्स में से कौन जीत सकता है अवार्ड, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। अब नेक्स्ट बात कर ली जाए ब्लड लाइन में क्या ऐड होने वाला है कोई न्यू मेंबर। अब आप सब जानते ही हो ब्लड लाइन में काफी लोग एक और मेंबर ऐड होते हुए देखना चाहते हैं, एंड इस चीज की बातें काफी पहले से चल रही है। इसमें नयोमी ऐड हो सकती है, इसमें नाया जैक्स ऐड हो सकती है, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मैंने आप सबको बताया था सोलो सिक्वा के बारे में, उनके फादर रिकिशी ने यह कहा था कि ये 200% श्योर है कि सोलो सिक्वा ज्वाइन करने वाले ब्लड लाइन को जब वो आएंगे मेन रोस्टर पर। साथ ही साथ मैंने आप सबको डैनियल विडॉट, जिन्हें आप NXT में जायन क्वीन के नाम से जानते हैं, उनके बारे में बताया था, वो भी एक समूहन है एंड WWE उन्हें काफी अच्छा बुक करी है, एंड चांसेस है वो भी ब्लड लाइन में ऐड हो सकते हैं बिकॉज उनके एंड रोमन रेंस के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो गाइस, फिर से दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सबसे पहले तमिना, जो कि समूहन है, उन्होंने ये कहा है वो भी चाहती है ब्लड लाइन को ज्वाइन करना, लेकिन हाँ अभी सही टाइम नहीं है। वहीं जायन क्वीन के बारे में बात कर लीजिए, उनसे रिलेटेड ये अपडेट निकल कर आई है, WWE जायन क्वीन एंड सांगा दोनों को मेन रोस्टर पर लाने की सोच रही है। यानी कि आप सब कह सकते हो अगर जायन क्वीन के प्लान है कि वो ज्वाइन करने वाले ब्लड लाइन को, तो ये चीज आप सबको काफी जल्द देखने को मिल सकती है किसी स्मैकडाउन या फिर रॉ में, या फिर अगर WWE कुछ ज्यादा ही बड़ा डेब्यू कराना चाहती है देन ये चीज हमें पेपर व्यू भी होते हुए दिख सकती है। सो आप सब कह सकते हो ब्लड लाइन में जरूर से आप सबको काफी जल्द एक मेंबर ऐड होते हुए दिख सकता है। अब वो कौन होता है, क्या वो सोलो सिक्वा होते हैं, क्या वो थमीना होती है, या होते हैं जायन क्वीन, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप क्या चाहते हो कौन बने ब्लड लाइन का 4th मेंबर। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।